अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो क्लास 11 फिजिक्स का डिटेल लेक्चर सीरीज जो चैप्टर हमारा चल रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड फोर्स, और ये हमारा है लेक्चर नंबर 29। प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 26 से हमने हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था, तो ये है लेक्चर नंबर 29, लेक्चर 26, लेक्चर 27, लेक्चर 28। तीन लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन पे ऑलरेडी हो चुके हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का, और इस चैप्टर का भी तकरीबन आखिरी ही लेक्चर होगा। शायद एक आधा लेक्चर और आएगा जो कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर है, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चैप्टर इतना लंबा क्यों हो गया। वजह यह है मेरा बेटा, क्योंकि इस चैप्टर के ना दो मेजर पार्ट्स हैं, मोशन एंड फोर्स। मोशन वाले पार्ट में हमने सारा का सारा कुछ काइनेमेटिक्स का पढ़ा है, फोर्स वाले पार्ट में हमने सारा पार्ट डायनामिक्स का पढ़ा है। ठीक है, जो अभी सिंध बोर्ड की नई किताब आई है, अगर आप उसके अंदर खोल करके देखोगे तो काइनेमेटिक्स अलग चैप्टर है, डायनामिक्स अलग चैप्टर है। हमने वो सब मिला करके मोशन एंड फोर्स में पढ़ा है। सिंध के अलावा बाकी किसी भी बोर्ड की किताब देखोगे तो उसमें मोशन एंड फोर्स के नाम से एक ही चैप्टर है। खैर, हमने सब कुछ पढ़ा। स्टार्ट हमने करा काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन से, देन हमने डायनामिक्स पढ़ा, और अब मैं डेलिब्रेटली जानबूझकर प्रोजेक्टाइल मोशन डायनामिक्स के बाद में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते चले जाएँ। ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा मेरा बेटा, मैं जल्दी से ज़रा समराइज कर देता हूँ कि हमने इससे पीछे क्या पढ़ा हुआ है ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि ये सीक्वेंशियल वीडियो है तो पीछे वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं क्लियर तो मसला नहीं, यूट्यूब पर जाके लिखना प्रोजेक्टाइल मोशन 01 बाय बिलाल ज़िया, प्रोजेक्टाइल मोशन 02 या प्रोजेक्टाइल मोशन 03, ये चौथी वीडियो है। ठीक है बेटे, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो आपका प्रोजेक्टाइल होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, मोशन इन टू डायमेंशन कर रहा होता है। टू डायमेंशनल मोशन से क्या मुराद होती है कि एक ही वक्त में दो एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, तो जनाब मोशन इन टू डायमेंशन करता है। साथ में हमने ये बात की थी कि ये जो मोशन इन टू डायमेंशन होता है, दिस इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इसका मोशन डिफाइन करती है। फिर हमने बात की थी कि जो इसका पाथ होता है, ट्रेजेक्ट्री होती है, रूट फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल होता है, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। वो भी हमने पूरा ड्राइव करके देखा था, ऐसे हवा में तो कोई बात की नहीं थी। ठीक है, फिर मेरा बेटा हमने ये बात की थी कि जो प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, जिसकी वजह से जो एक्स कॉम्पोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है मेरे बच्चे, कॉन्स्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, एयर को हमने निग्लेक्ट किया हुआ होता है। साथ हमने बात की थी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होता है मेरे बेटे, माइनस जी के बराबर होता है। माइनस साइन शो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन को, और जी जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां से हमने देखा था कि जो प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कॉम्पोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो बेसिकली क्या होता है मेरे बेटे, वेरिएबल होता है। जब आपका प्रोजेक्टाइल लॉन्च पॉइंट से हाइट वाले पॉइंट की तरफ जा रहा होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कम हो रहा होता है, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई जीरो हो जाता है। जब मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा होता है आपका प्रोजेक्टाइल तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, ये सब बातें याद आ गई। इससे रिलेटेड फिर हमने बोला था कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो या दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हो। जो दो हिस्से हमने पढ़े थे या दो हिस्से हमने देखे थे, उनमें से एक हमारे पास था ऑब्लिक प्रोजेक्शन और एक था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या था अगर मैं याद दिलाऊं तो मेरा बेटा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन ये था, ये मान लो लॉन्च पॉइंट है, यहां से आपका प्रोजेक्टाइल फायर हुआ और यहां कहीं पर आ गया, कुछ इस तरह की बात देखी थी आपने अपनी किताब में भी देखा होगा। ये हमारे पास था मेरा बेटा कोई लॉन्च पॉइंट, और ये मेरा बच्चा हमारे पास क्या था, हमारा टारगेट पॉइंट। अब इसको ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्यों कह रहे हैं, खास बात क्या है कि जो लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट है ये एक ही एलिवेशन के ऊपर है। सर एक ही एलिवेशन,
एक ही रेफरेंस लाइन के ऊपर है। मतलब आप इस ब्लैक कलर की लाइन को देखो, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, आप देखो जो आपका लॉन्च पॉइंट है और टारगेट पॉइंट है एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एक ही एलिवेशन के ऊपर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। मैंने मिसाल दी थी, अगर आप फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल को किक करते हो तो फुटबॉल उड़ता हुआ जाएगा, वापस ग्राउंड में गिर जाएगा। तो जिस पॉइंट से फुटबॉल को किक किया गया और फुटबॉल जहां पे जमीन पे गिर रहा है, दोनों का एलिवेशन कैसा है? एक ही है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन था, हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए जो ये प्रोजेक्टाइल रेंज हासिल करता है वो रेंज की इक्वेशन ड्राइव की थी। सिमिलरली ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक पॉइंट आता है जहां पे प्रोजेक्टाइल जमीन से मैक्सिमम हाइट के ऊपर होता है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। और जितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है उसके लिए हमने इक्वेशन निकाली थी हाइट की। फिर लॉन्च पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लेता है उसे हम टी हाफ कहते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, उसकी इक्वेशन निकाली। फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन निकाली थी, और उससे रिलेटेड हमने हर तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल किया था। ऑब्लिक प्रोजेक्शन एक टाइप मेरा। दूसरा टाइप मेरा बेटा, आपने ये देखा होगा जो इससे बिल्कुल पिछले लेक्चर में हमने किया, अगर ये कोई बिल्डिंग है, ये जमीन है, और इस बिल्डिंग का कोई एक हाइट एच है, और होता क्या है मेरे बेटे कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है, और ऑब्जेक्ट थ्रो कैसे किया जाता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट कैसे थ्रो किया जाता है? हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है, हॉरिजॉन्टली मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। कोई बंदा है जो किसी बिल्डिंग की छत पे खड़ा हुआ है और उसके हाथ में गन है, और उसका जो हाथ है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाथ कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर वो फायर करता है तो जो बुलेट के पास वेलोसिटी होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी, लेकिन हमें ये बात पता है कि ये बुलेट सारी जिंदगी एक्स के अलोंग नहीं जाती रहेगी। क्यों? जैसे ही बुलेट गन के बैरल से बाहर आएगा तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा, और वो उसे कहां बुला रहा होगा? डाउनवर्ड। तो बुलेट आगे भी जाएगा और नीचे भी आएगा, और ऐसे कहीं पर जाके आपका बुलेट जो है वो जमीन को स्ट्राइक कर जाएगा। ये वाला केस हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब इसके अंदर हमने क्या क्या निकालना सीखा था कि जो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली थ्रो गया है उसको ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, वो ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कितना कवर करेगा, साथ ही साथ जब वो यहां पे स्ट्राइक करेगा तो जमीन के साथ क्या एंगल बन रहा होगा वेलोसिटी का, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा। ठीक हो गया मेरा बेटा? इन दोनों के अलग अलग क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है? अच्छा, साथ ही साथ अब इस लेक्चर में हमने क्या करना है, इस लेक्चर में हमने कंपाउंड प्रोजेक्शन पढ़नी है। सर कंपाउंड प्रोजेक्शन हमारे कोर्स में है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड प्रोजेक्शन इज नथिंग न्यू। कंपाउंड प्रोजेक्शन क्या है? ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को मिला लेंगे तो कंपाउंड प्रोजेक्शन, कंपाउंड प्रोजेक्शन नाम भी मैंने खुद ही दिया, ठीक है? कंपाउंड क्या होता है? जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं, ठीक है? तो अगर आप ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को मिला लोगे तो वो क्या बन जाएगा मेरे बेटे? कंपाउंड प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो अब हमने वो डील करना है। सर क्या इसके सवाल पास पेपर में आए हुए? बिल्कुल आए हुए, वो भी देखेंगे अभी, ठीक है? साथ ही साथ आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है। मेरी कोशिश होगी कि जैसे जैसे हमारा डिटेल लेक्चर चैप्टर वाइज होते जाए तो मैं उसके आखिर में वन शॉट लेक्चर भी डाल दूंगा। उससे क्या होगा, जब आप एक बार पूरे डिटेल लेक्चर सीरीज, जैसे हमारे पास वेक्टर्स हमने पढ़ा, वेक्टर्स के तकरीबन 16 या 17 लेक्चर्स हैं। अब उसके बाद में एक वन शॉट लेक्चर डाला हुआ होगा उसी प्लेलिस्ट के अंदर, उससे क्या होगा बच्चे कि जब आप पूरा करके आ चुके होंगे, जब एक बार जल्दी से आपने समराइज फॉर्म में पढ़ना होगा ना, तो वन शॉट वाला लेक्चर देख लेना। उसमें ज़ाहिर है डेरिवेशन नहीं होंगी, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और सारे की पॉइंट्स होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बच्चे? सवाल से स्टार्ट करते हैं, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो आप पास पेपर में आया हुआ है। किसके पास पेपर में बेटे? नम्स और नस्ट दोनों के पास पेपर में आया हुआ है। जब ये क्वेश्चन आया था ना तो उन्होंने सिर्फ टाइम पूछा था, ठीक है? बाकी चीज़ें मैंने खुद ही ऐड कर दी हैं। अब आपके पास कहानी क्या है? अच्छा, इस कहानी पर जाने से पहले, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के जो इससे प्रीवियस तीन लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हुए हुए होने चाहिए। मोशन अंडर ग्रेविटी का जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है? सवाल देखो, एक ही सवाल है, पूरा लेक्चर आपका इसी एक सवाल से हल हो जाएगा, ठीक है? क्या कहता है,
कहता है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है मेरा बच्चा, आपके पास ये मान लो कोई एक टावर है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है हमारे पास और ये कोई टावर है। अब आपके पास क्या किया जा रहा है, आपके पास जो बॉल थ्रो किया जा रहा है वो अपवर्ड है। अपवर्ड सुन के आपके ध्यान में क्या आएगा, ऐसे फेंकेगा ऊपर। लेकिन उसने क्या कहा, वेलोसिटी ये रही मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अगर वो मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल पे थ्रो करेगा तो होगा क्या, अगर यहां से थ्रो किया जा रहा है तो यकीनन ये कुछ इस तरह से मूव करता हुआ आएगा। हाँ या ना, ये पॉइंट समझ आया मेरा बेटा, ये कुछ ऐसे थ्रो करता हुआ आएगा। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर लो कि ये ट्रेजेक्ट्री होगी जो वो फॉलो करता हुआ आ रहा होगा, कुछ ऐसे मूव करता हुआ आएगा। यानी कि अगर मैं यहां पे देखूंगा तो आपको ये चीज वाजे तौर पे नजर आएगी, ये मेरे पास वेलोसिटी थी, ये मेरे पास वेलोसिटी है जो यहां पे गिवन है वी नॉट वेलोसिटी, और यहां पे जो मेरे बच्चे इसका एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है जरा देखना, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या था, लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट एक ही एलिवेशन पे था, यहां ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या था, टावर के ऊपर से बॉल फेंकी जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जो टावर था वहां से जो चीज थ्रो की जाती थी वो अलोंग एक्स एक्सिस थी। यहां पे जालिम ने क्या किया, यहां पे जालिम ने ये किया कि टावर के ऊपर से चढ़ के उसने कोई चीज ऐसे फेंक दी। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग फेंकता तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमें पता है, लेकिन उस भैया ने ऐसे कोई चीज फेंक दी। अब आप नोट करो, ये आपके पास है क्वेश्चन टोटल, ठीक है। अब आपको आपसे क्या क्या पूछ रहा है, अब देखो मेरा बेटा आपसे पूछ क्या क्या रहा है। आपको कहता है जो बॉल है उसको जमीन तक आने में टाइम कितना लगेगा, ये है मेरे बच्चे आपका लॉन्च पॉइंट, मार्क कर देते हैं दिस इज योर लॉन्च पॉइंट, और यहां कहीं पे मेरा बेटा आपका क्या है टारगेट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है भाई साहब, अच्छा आपको और क्या क्या गिवेन है वो भी मार्क कर लो। यहां पे आपको गिवेन है हाइट ऑफ द टावर गिवेन है विच इज 70 मीटर, लॉन्च पॉइंट को मैं यहां कहीं लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पे अभी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने होंगे बेसिकली, लॉन्च पॉइंट, ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर मेरे बेटे हमें कितना गिवेन है, 70 मीटर का हमें हाइट ऑफ द टावर गिवेन है, ठीक हो गया। अच्छा अब सबसे पहला काम आपने ये करना है भाई साहब, इस वीडियो को करो पॉज, आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑलरेडी पता है और आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी पता है, पहले इस सवाल को सॉल्व करो। मैं तीन तक गिनूंगा फिर मैं कराऊंगा, आपने लाजमी सॉल्व करना है ताकि आप जो गलती करो उसे वहां क्रॉस करो और वहां पे उसकी जस्टिफिकेशन लिखो ताकि पेपर में ना करो और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। चलो भाई 1 2 3, पहली चीज जब मैंने कहा कि भाई ये ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से मिलके बनाए, तो आप लोगों ने यकीनन देखने की कोशिश की होगी कि यहां पे कहां तक ऑब्लिक है और कहां तक हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ही है। चलो देखो जरा, आप में से अक्सर लोगों ने क्या किया होगा, इसके बिल्कुल सामने जाके यहां पे एक पॉइंट मार्क कर लिया होगा, आपने बोला भाई ये पूरा जो है ये पूरा हो गया आपका ऑब्लिक और इससे नीचे वाला क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अरे भैया ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है आपने बोला होगा, ये जो आपकी रेफरेंस लाइन चल रही है, आपने बोला होगा जो रेफरेंस लाइन है इससे ऊपर ऊपर ऑब्लिक है और इसके नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल है। यहां पे अगर आपने किया है तो गलत किया है। वजह देखो बच्चे, ये हिस्सा ऑब्लिक को तो फॉलो कर रहा है लेकिन इससे नीचे वाला हॉरिजॉन्टल को फॉलो नहीं कर रहा, क्यों? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता था, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्या यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऊपर वाला आपने सही पिक करा लेकिन नीचे वाला गलत कर दिया। सर फिर क्या करें, अब बताएं आप हमें। अच्छा चलो अब देखो मेरे बेटे, जरा इस वाले पॉइंट को देखो गौर से, क्या मैं कह सकता हूं ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट है? हाँ या ना, क्या मैं कह सकता हूं ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट की खास बात क्या होती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट वो होता है प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। जब मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे पहुंचता है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और प्रोजेक्टाइल की जो सारी की सारी वेलोसिटी होती है वो अलोंग एक्स एक्सिस होती है, पढ़ चुके ना। तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर जब प्रोजेक्टाइल आएगा तो इसकी जो टोटल वेलोसिटी होगी, जो इसकी टोटल वेलोसिटी होगी वो एक्स वाली होगी, बोलो हाँ या ना। अगर मैं लॉन्च पॉइंट को ए कह दूं, ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को मैं बी कह दूं, और ये जो टारगेट पॉइंट है इस टारगेट पॉइंट को मैं सी कह दूं, अब देखो
ए से लेके बी तक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया और बी से लेके सी तक ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। गौर से देखो, हजम करो, डाइजेस्ट करो, कोई जल्दी नहीं है। देखो भाई साहब, ए से लेके बी तक मेरा ऑब्लिक क्यों है? क्योंकि जो मेरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था, ये जो मेरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था, आप नोट करो, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट था, लॉन्च पॉइंट था। अगर मैं इतने हिस्से को उड़ा दूं तो भाई साहब ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट हाफ हो गया, हाँ या ना, दिख रहा है यहाँ पे। और ये क्या है? पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। दोनों बातें, दोनों अपनी जगह फुलफिल हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है कि जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, यहां पे आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है मेरे बेटे, अब क्या करना है भाई? टाइम निकालना है सबसे पहले। अब आप सोचो टाइम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं बॉल यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लेगी वो निकालूं और फिर ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लेगी वो निकालूंगा, तो दोनों टाइम को ऐड कर लूंगा। भाई फिर से, बॉल पहले यहां से ऊपर गया, एक टाइम आ गया, फिर यहां से नीचे आया, तो भाई पहले यहां से निकालूंगा टाइम, फिर ये वाला टाइम निकालूंगा, दोनों को ऐड कर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल टाइम मिलेगा। सही है। अगर मुझे ए से लेके बी तक का टाइम निकालना है, अगर मुझे ए से लेके बी तक का टाइम निकालना है मेरा बेटा, यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये टी हाफ हो जाएगा? टी हाफ क्या होता है? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम लॉन्च पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। लॉन्च पॉइंट से मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा वो टी हाफ है। इसे साथ में मैंने कह दिया टी वन। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है मेरे बेटे? वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। बेसिक बात हो गई, वैल्यूज प्लेस कर देंगे भाई साहब। वी नॉट कितना है हमारे पास? 50 है। और साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है। अपॉन जी कितना हो गया मेरा बेटा? 10 हो गया। जीरो से जीरो मर गया। 5/2 जब आप करते हो तो भाई साहब 5/2 कितना आ रहा है आपके पास? 2.5 सेकेंड आ रहा है। बेटे ये सारे रिजल्ट नोट करते जाना, अभी आपकी कॉन्सेप्चुअल दुनिया हिलेगी। ठीक है, 2.5 सेकेंड, ये वो टाइम है जो प्रोजेक्टाइल ने लिया लॉन्च पॉइंट ए से मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट बी तक जाने के लिए। सही है। अच्छा, ये मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मेरे बेटे, ताकि इससे भी मैंने चीज़ें रिलेट करनी है। ठीक है, और आपके पास जो हाइट है टावर की, वो मेरा बेटा हाइट ऑफ द टावर हमें कितनी गिवन है भाई साहब? 70 मीटर की हमें हाइट गिवन है। तो ये है 70 मीटर। क्लियर है? अब आप में से जितने लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई होगी, जो इससे पिछला लेक्चर था, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर देखिए, एक टाइम तो ये आ गया, दूसरा टाइम निकालने के लिए आपने हमें एक शॉर्टकट पढ़ाया था, T2 इक्वल्स, मैं उसको T2 लिख रहा हूँ ना, अंडर रूट 2H डिवाइडेड बाय जी, यही पढ़ा था हमने भाई। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसको जब वाई एक्सिस पे लगाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सर ये कहाँ से आया मेरा बेटा? अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आपके जहन में इसी किस्म के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो पीछे वाला लेक्चर देख के चलो भाई। ये आखिरी चीज़ है, फिल्म भी कोई देखती हो तो पहले पहला पार्ट देखते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ना एंडिंग तो पहले से नहीं देखते। अगर एंडिंग पहले से देखते हो तो कराची के अंदर भी नफसियाती वैसे अस्पताल अच्छा मौजूद है, बाकी प्रोविंस के अंदर भी हर जगह होगा, वहाँ चेकअप कराओ जाके भैया। ठीक है, अबे पहले पिछला लेक्चर पूरा करो फिर आगे चलना। अब जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की मदद से टाइम निकालोगे, अब इस वाले इक्वेशन को यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है अगर आपने करी है? इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, 2h अपॉन जी, बिल्कुल सही है। एच से क्या मुराद होती है? एच से मुराद है हाइट। एच से क्या मुराद है? हाइट। अब देखो मेरा बेटा, यहाँ पे हाइट से क्या मुराद है? अब देखो मेरा बेटा, इस फॉर्मूले में आप क्या गलती करोगे? आप यहाँ एच की जगह पे रखोगे 70। अब बोलोगे सर हाइट 70 की तो है। नहीं मेरे बेटे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, और आ यहाँ पे रहा है। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो आ रहा है तो टोटल हाइट सिर्फ 70 मीटर है? बिल्कुल भी नहीं मेरे बेटे। देखो जरा हाइट कौन सी वाली है एक्चुअल में, ये है टोटल हाइट। जो भाई आप खुद सोचो ना मेरे बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जब आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से नीचे आ रहा है तो वो कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? ये पूरी हाइट h कवर कर रहा है, ऐसे ही है। और ये 70 मीटर सिर्फ ये वाली हाइट है, ये 70 मीटर तो सिर्फ यही है। इसका मतलब मेरा बच्चा क्या है कि आपको ये वाली हाइट भी चाहिए। जब आपको ये वाली हाइट पता चलेगी तो आप इसमें इसको क्या करोगे? ऐड करोगे, तब लाके यहां पुट करोगे। अब आप अपने पास चार सफ़े पलटना और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जहां मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव कराया था वहां देखना, मैंने दो बातें लिखवाई थी। एक बात क्या लिखवाई थी? एच से मुराद है
टोटल हाइट जहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा, लिखवाई थी। दूसरा पॉइंट लिखवाया था, जिस जगह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन स्टार्ट होता है वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी शुड बी जीरो। देखो इसी दिन के लिए लिखवाई थी मैंने ये बात। तो यहां पे अगर आपने खुद से एक बार सॉल्व किया होगा मेरी बात मान के, तो आपने डेफिनेटली ये गलती करी होगी कि एच के अंदर आपने 70 रखा होगा। एच में 70 क्यों नहीं रखना? इसलिए नहीं रखना कि बेटे प्रोजेक्टाइल आपका यहां से नीचे आ रहा है, जब यहां से नीचे आएगा तो ये पूरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 70 तो सिर्फ इतना वाला है, तो ये कहां पे शॉर्ट करा दिया मार्केट से, तो ये आपको चाहिए। ठीक है, हम ये यूज करेंगे लेकिन पहले ये निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, इतना हिस्सा कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। ये ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक जो मैंने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कंसीडर किया हुआ है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ये बेसिकली मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले से आ जाएगा? हाँ या ना? देखो फिर सुनो अच्छे से, देखो और से, ए से लेके बी तक मेरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था ना, हाँ या ना मेरे बच्चे? ए से लेके बी तक क्या था? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ये वाला जो डिस्टेंस है, क्या ये मैं मैक्सिमम हाइट वाली इक्वेशन से निकाल सकता हूं? यस सर। तो मैक्सिमम हाइट वाली हमारी इक्वेशन क्या थी? मैक्सिमम हाइट वाली हमारी इक्वेशन थी एच इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, और साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ ऊपर आ गया स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया मेरे बेटे 2g। ठीक है, एच विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4, ये आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। सही हो गया भाई साहब, एक जीरो से एक जीरो चला गया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एच विल बी इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 4 2 जा कितना हो गया? 8 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, 8 3 जा हो गया मेरे बच्चे 24, 1 यहां आ गया, 8 1 जा हो गया 8, 2 बच गया, डेसिमल लगा दिया, 0 लगा दिया, 8 2 जा हो गया 16 और फिर 5। यानी कि अच्छा इसको H नहीं कह रहा, इसे मैं H1 कह रहा हूं। H1 क्या है मेरा बेटा? ये है, ये वाली हाइट है। ये कौन सी हाइट है जो प्रोजेक्टाइल ने ऐसे ऊपर जाते हुए कवर करी? सर प्रोजेक्टाइल ऊपर जा क्यों रहा है? क्योंकि जब आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से फायर किया है, बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। सही है भाई, आपने 30 डिग्री पर रख के फायर किया है ना, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग फायर करते तो सिर्फ बाद में सिर्फ नीचे ही आ रहा होता, आगे जाता और नीचे आ रहा होता। ठीक है, H1 ये आ गया, अब आपको यहां H रखना है। तो जब प्रोजेक्टाइल आपका ऊपर से नीचे आएगा मेरे बेटे, तो आप H कैसे निकालोगे? H विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2। देखो ये H1 है और ये मान लो आपके पास क्या है मेरा बेटा? H2 है। तो H1 H2 को ऐड करोगे तो ये पूरा, देखो प्रोजेक्टाइल यहां से नीचे आ रहा है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है, हाँ या ना? ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ आ रहा है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? H के बराबर है। और ये H कैसे आएगा? H1 और H2 को ऐड कर दोगे। तो मेरा बेटा जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 31.25 प्लस का 70, तो ये बनेगा 101.25 मेरे ख्याल से। ये मेरा बेटा हमारे पास क्या बन गया? हमारा H बन गया। ठीक है, आपने क्या करा? आपने 31.25 को ऐड कर दिया मेरे बेटे किसके अंदर? 70 के अंदर, तो ये बन गया। अब यहां पे लाके पुट कर लेंगे। ये कैसे आई इक्वेशन? भाई मैं फिर बता देता हूं, आपके पास सेकंड इक्वेशन है S इक्वल VIT प्लस का हाफ AT स्क्वायर। इसको अगर मैं Y एक्सिस पे अप्लाई करता हूं, प्रोजेक्टाइल यहां से आ रहा है नीचे, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट होता है यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। आपने जो अभी ये इक्वेशन लगा रहे हो, ये इक्वेशन आप कहां से कहां पे लगा रहे हो? बी से सी पे लगा रहे हो, बी से सी पे लगा रहे हैं। तो बी मेरा इनिशियल पॉइंट है, सी मेरा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो एस की जगह आ गया वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस की जगह आ गया वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, टाइम आ गया प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा, वाई क्या है? बी से लेके सी तक आने में आपके प्रोजेक्टाइल ने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करा? तो भाई बी ये रहा, सी ये रहा, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? माइनस का 101.25 कहां से आया? H1 प्लस H2, तो 101.25 माइनस का 101.25 सही है विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई वाला फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, और यही मेरा इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, माइनस का 5t स्क्वायर, इसको t2 कह दो। सर ये 5 कैसे हुआ बेटे? देखो ए वाई की जगह आपने क्या रखा होगा? 10 रखा होगा, माइनस 10, तो माइनस प्लस हो गया यहां माइनस, और 10/2 क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो भाई साहब देख लो वही चीज बन रही है आपके पास यहां पे उठ के।
जो बन रही थी, सही है। यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेंगे हम, क्या बनता है अब ये, आप यहाँ से भी निकालोगे यही चीज़ बन जाएगा भाई। माइन अब क्या हो गया आपके पास, 101.25 माइनस साइन, माइनस का 5t स्क्वायर, ये t2 निकाल रहे हैं, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे बेटे t2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 101.25, डिवीजन में क्या आ गया भाई साहब, 5 आ गया, ठीक है मेरा बेटा, ये आ गया उठ के। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, चलो सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनता है। 5 2 जा भाई साहब क्या होता है, 10 होता है, 5 2 जा हो गया 10, 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो मुझे आगे वाला नंबर यूज करना है, तो यहाँ 0 लगाया और 1 को यहाँ ले गया, 5 2 जा क्या हुआ मेरा बेटा, फिर से 10 हुआ, तो 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है मेरे बेटे। 5 5 जा क्या हो गया मेरा बेटा, हमारे पास 25 हो गया, t2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 20.25। अब अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ तो जनाब t2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 20.25। अब अगर आप बोर्ड लेवल के बच्चे हो, आपको कैलकुलेटर अलाउ है, अगर आप बोर्ड लेवल के नहीं हो तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेसिक मैथ्स के, मैंने 2 1-शॉट लेक्चर अपलोड किए हुए ऑलरेडी, उसके अंदर ये सब करना सिखाया है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2025 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये जो 2025 है, अगर मैं 2025 का रूट ले रहा हूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है 45 है, और 100 का रूट क्या है, 10। सर ये कैसे पता चला, बेटे मैंने बेसिक मैथ्स में सिखाया हुआ है, वो तमाम नंबर जो के 5 पे एंड हो रहे होते हैं उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, करके दिखा देता हूँ। देखो ये नंबर किस पे एंड हो रहा है, 5 पे, 5 की वजह से यहाँ आ जाएगा 25, और इससे पीछे क्या लिखा है, 4 से बड़ा नंबर 5, 4 5 का क्या हो गया 20, तो 2025 45 का स्क्वायर है। फिर देख लो, अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, ये किस पे एंड हो रहा है, 5 पे, तो ये आ गया जनाब 25, क्या लिखा हुआ है ये, 2 से बड़ा नंबर 3, तो 2 3 का क्या हो गया 6, ये 25 का स्क्वायर है। फिर देख लो, मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, 5 की वजह से यहाँ क्या आ गया 25, ये क्या लिखा है 1 1 से बड़ा नंबर 2, तो 1 2 सा हो गया। सर अगर वो नंबर 5 पे एंड ना हो रहा हो तो मेरे बच्चे, तभी तो कह रहा हूँ 1-शॉट लेक्चर बेसिक मैथ्स का देख लो, उसमें मैंने हर तरह के स्क्वायर निकालना, हर तरह के स्क्वायर रूट निकालना ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है मेरा बेटा। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या आ रहा है, ये हमारे पास टाइम आ रहा है मेरा बेटा 4.5 सेकेंड्स, ये मेरे पास t2 उठ के आ गया। तो जनाब टोटल टाइम जो पैकेज ने लिया, गौर से सुनना और देखना, टोटल टाइम जो पैकेज ने लिया, आप क्या करोगे, आप बोलोगे t1 प्लस t2 ऐड कर दोगे, तो ये कितना बन जाएगा, 7 सेकंड बन जाएगा, ठीक है बेटा। बेटा 2.5 सेकंड में यहाँ गया बॉल, और फिर 4.5 सेकंड में क्या हुआ, नीचे आया। इस तरीके से हमने इसका क्या मालूम कर लिया भाई साहब, टाइम मालूम कर लिया, ठीक है जनाबे वाला। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके इतने हिस्से को एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, फिर हम चलते हैं एक्स की तरफ, फिर वेलोसिटी की तरफ, फिर एंगल की तरफ, ठीक है मेरा बेटा। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। चलो मेरा बेटा, अब हमने पहले मालूम करना है एक्स, ताकि हम एक बार ना पहले डिस्टेंस को खेल खेल के निकल जाएं, फिर वेलोसिटी की तरफ आएंगे, ठीक है। अब भाई साहब फिर से हमारे पास वही है, ए बी और सी हमारे 3 पॉइंट्स हैं। अच्छा एक चीज़ से कभी परेशान नहीं होना, आपका एग्जामिनर ना कभी भी ये सारी चीज़ें एक साथ उठा के नहीं पूछेगा, ये तो प्रोजेक्टाइल के टोटल पैरामीटर्स हैं ना, सब थोड़ी पूछ लेगा एक ही सवाल में, लेकिन हमें नहीं पता कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, इसलिए हम सबकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। टी हमने मालूम कर लिया, और हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि जनाब हमारे पास ये निकल के आ गया कि जो t1 है, t1 मतलब ए से लेके बी तक जाने का टाइम जो है वो कितना है जनाब, 2.5 सेकेंड, और मेरा बेटा जो t2 है वो कितना है मेरे बच्चे हमारे पास, 4.5 सेकेंड्स। क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब मुझे क्या मालूम करना है x, x से क्या मुराद है भाई, प्रोजेक्टाइल को मैंने यहाँ से फायर किया था, यहां आके गिरा, अगर मैं इसके बिल्कुल नीचे एक पॉइंट बना दूं, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट मेरे पास है डी, डी क्या है भाई, डी जमीन के ऊपर वो पॉइंट है जिसके बिल्कुल ऊपर से बॉल फायर की गई है। डी क्या है, डी जमीन के ऊपर वो पॉइंट है जिसके बिल्कुल ऊपर से मेरा बॉल फायर किया गया है। बॉल आगे स्ट्राइक कहां कर रहा है, सी के ऊपर। तो मेरा बेटा डी से लेके सी तक आपका जो प्रोजेक्टाइल है, आपका जो बॉल है, उसने कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया है, हाँ या ना, कुछ डिस्टेंस कवर किया है वो आपने बताना है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अचीव बाय द बॉल वो बतानी है आपने भाई, कोई मसला नहीं है, वही काम आप करोगे। आप बोलोगे भाई साहब ये देखो, इतना हिस्सा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का है, पीछे वाला ऑब्लिक प्रोजेक्शन का है, बिल्कुल सही है।
तो भाई साहब देखना ज़रा, ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, क्या मैं इसे रेंज के फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ? लेकिन सर रेंज जो होती है, ज़रा देखिएगा सर, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपने पढ़ाया था, रेंज तो ये पूरी हुआ करती थी, बिल्कुल सही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सर वो तो आधा है, आधा मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। तो मेरा बेटा जब ये आधा है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि रेंज भी आधी हो जाएगी यहाँ पे? देखो फिर समझो, ए से लेके बी तक का जो पार्ट है ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, ए से लेके बी तक ऑब्लिक प्रोजेक्शन है भाई, ये टोटल रेंज आर के बराबर है, तो इतना क्या हो जाएगा, आर बटे टू, आर बाय टू हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आर बाय टू रेंज के फॉर्मूले से डायरेक्टली आ जाएगा। और ये जो बाकी का हिस्सा है, ये जो बाकी का हिस्सा है भाई साहब, ये तो हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। चलो हमें समझ में आ गई इसकी थ्योरी, अब जल्दी से वर्किंग कर लेते हैं जनाब। सबसे पहला काम क्या करना है कि रेंज मालूम करनी है, ठीक है। रेंज क्या, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई साहब? तो जनाब रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है V नॉट स्क्वायर अपॉन G मल्टीप्लाई बाय साइन टू थीटा। वैल्यूज आपको पता है, जस्ट पुट इन द वैल्यूज। R क्या, V नॉट क्या है 50, और आगे आ गया स्क्वायर यानी कि दो बार लिख दिया, अपॉन में आ गया G बोले तो 10 मल्टीप्लाई बाय साइन टू थीटा। टू को अगर मैं 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। चलो आगे लेके चलते हैं इसे, ज़रा एक जीरो से एक जीरो को मार दीजिए, 5 को 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 250 हो गया। साइन 60 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट 3 बाय 2, 2 को इससे कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बचता है, 125 अंडर रूट 3। क्या मैंने ठीक काम किया है? बिल्कुल ठीक काम किया, ठीक है, सही काम किया, 125 रूट 3। ये क्या निकाला है, रेंज। मेरा बेटा जो रेंज होगी ना वो यहां से लेके यहां तक होगी, जरा समझ लेना पहले, ये रेंज पूरी यहां से यहां तक होगी, सही है। आपने सिर्फ इतने हिस्से को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल माना हुआ है, तो आपको सिर्फ ये चाहिए, इससे ये चाहिए, तो ये कैसे आएगा, आर डिवाइड बाई टू से आएगा। अगर आर आपको मिल गया 125 रूट 3, तो आर अपॉन टू क्या हो जाएगा, 125 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और साथ में क्या आ गया मेरा बेटा, मीटर आ गया, क्लियर है। अब आपको ये चाहिए, ये कैसे आएगा भाई साहब, जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर किया है वही चाहिए ना, तो भाई आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में सब पड़ा हुआ है, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ तो एस की जगह क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है, इसे कह देते हैं हम एक्स वन, और यहाँ से जो आ रहा है हमारे पास इसे कह देते हैं एक्स टू। एक्स टू क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, एक्स वन क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। एक्स टू विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी, टी टू आएगा, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी टू का स्क्वायर। सर टी टू क्यों आएगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी का टाइम कंसीडर करेंगे। ये वाला फैक्टर क्या हो गया मेरा बेटा, जीरो हो गया। एक्स टू विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी भाई, एक्स वाली वेलोसिटी तो किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होती ना, एक्स वाली वेलोसिटी यहां 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 हर जगह पे कैसी रहेगी, एक ही जैसी रहेगी। तो वी नॉट एक्स की जगह पे वी नॉट एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा। और जनाबे वाला जो इसका टाइम है वो कितना है हमारे पास, 4.5 सेकंड है। सर टोटल टाइम क्यों नहीं रखा, टोटल टाइम तो यहां से यहां तक आने का है, हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ यही वाला टाइम रखेंगे, ठीक है। अब मेरे बेटे वी नॉट कितना था आपके पास, 50 था, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय जो 4.5 है, इसे लिख सकते हैं 45 अपॉन 10। तो जनाब जीरो से जीरो क्या हो गया, मर गया। अगर आप 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अजान हो जाए मेरा बेटा, फिर करते हैं आगे। अब देखो मेरा बेटा, अगर मैं 45 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 टू जा 90, 45 फोर जा हो गया 180, यानी कि ये बन जाएगा मेरा बेटा 225 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ गया मेरे बच्चे, 2 आ गया। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई, ये x2 हो गया, x1 हम पहले निकाल चुके हैं। मुझे टोटल निकालना है कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो भाई साहब मैं x1 को x2 में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो x1 प्लस x2 देख लो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, 125 अंडर रूट 3 प्लस ये कितना आ रहा है मेरा बेटा, 225 अंडर रूट 3, और डिवीजन में क्या आ गया 2। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि इतने भयानक सवाल पेपर में आते हैं या नहीं, तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये ऑलरेडी आपके पास पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ उन्होंने ये सब नहीं पूछा था, उन्होंने सिर्फ टाइम पूछा था, बाकी चीज़ें मैं खुद वहाँ पे ले आया ताकि अगर एक चीज़ पूछ ली तो भाई बाकी भी तो पूछ सकता है। 225 में जब हम, अगर मैं अंडर रूट 3 कॉमन निकालूंगा तो अंडर रूट 3 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बच जाएगा 125 प्लस 225 ऐड हो रहा है, तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, 350, और अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। 350 को 2 से डिवाइड करेंगे
तो मेरे बच्चे ये क्या बनेगा हमारे पास 175 अंडर रूट 3 मीटर्स, ये मार्क कर लेना अपने पास। ये हमारे पास क्या है कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मेरा प्रोजेक्टाइल या बॉल कवर करेगा वो मेरे बेटे हमारे पास कितना आ रहा है 175 अंडर रूट 3 मीटर्स आ रहा है। तो उम्मीद है थोड़े बहुत दिमाग के ढक्कन छक्कन खुलना शुरू हो गए होंगे, ठीक है मेरा बेटा। चलो इतना हिस्सा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं और अब वेलोसिटी वाला पार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एक बार फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई आप वीडियो को एक बार पॉज करो और अब वेलोसिटी खुद से निकालो। अब की बार मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट 70% जो लोग हैं ना वो वेलोसिटी बिल्कुल सही से निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो मैं वही वाली डायग्राम मेरे बेटे दोबारा बना रहा हूँ। ये हमारी बिल्डिंग है और यहाँ से ये बॉल थ्रो की गई और बॉल अल्टीमेटली आगे इस तरह से ज़मीन को कहीं स्ट्राइक कर रही है, ठीक है मेरा बेटा। ये रहा, इसके अंदर जो पॉइंट्स हमने मार्क किए हुए थे, एक पॉइंट ये था दैट वॉज द लॉन्च पॉइंट, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, एक ये था टारगेट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आके लैंडिंग पॉइंट टारगेट पॉइंट जहाँ पे आके ज़मीन को स्ट्राइक कर रहे हैं। अब मुझे करना क्या है मेरे बेटे, मुझे जिस वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करेगा वो मालूम करनी है। मुझे पता है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो मैं दोनों को बारी बारी निकालूंगा। वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए इंटू टी, इसको मैं एक बार अप्लाई करूंगा किस पे मेरे बेटे, वाई एक्सिस पे। अब मैं सारी की सारी जो कहानी करूंगा ना वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे ही करूंगा, यानी कि मैं यहां से इंटरेस्टेड हूं आगे। क्यों सर, यहां से क्यों नहीं, इसलिए रीजन समझ लेना। देखो सर, बाकी एक्स निकालते हुए भी हमने यहां से स्टार्ट किया और टाइम निकालते, वेलोसिटी में क्यों नहीं बच्चे, रीजन बड़ा सिंपल है बताऊं। देखो ऊपर जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, कम होते होते यहां पे आके क्या हो गया, जीरो हो गया, और एक्स वाली वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही। तो भाई देखो इससे पीछे यहां पे देखोगे आप तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप पीछे से भी कंसीडर कर लोगे तो यहां पे आके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो चुका, जीरो हो चुका, यानी कि मेन गेम वर्टिकल कंपोनेंट का यहीं से शुरू हो रहा है जीरो से, और एक्स वाला तो बेचारा वैसे ही हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको वाई पे अप्लाई करूंगा तो वी वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस का ए वाई इंटू टी, ठीक है। यहां टाइम कौन सा रखेंगे, टी टू वाला, क्यों, क्योंकि मैं मोशन कंसीडर कर रहा हूं फ्रॉम बी टू सी, बी से लेके कहां पे जा रहे हैं मेरे बच्चे, हम सी तक जा रहे हैं, वैल्यूज प्लेस करेंगे। तो जनाब वी वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई, अब वी नॉट वाई, वी नॉट साइन थीटा से कोई भी नहीं निकालेगा, वजह भाई हमने स्टार्ट कहां से किया है, यहां से किया है, समझ आ रही है, यहां से स्टार्ट किया तो जनाब ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों, मेरा बेटा बी से सी पे जा रहे हैं, तो वी नॉट वाई क्या है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, बी वाला है, तो मेरा बेटा बी पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, ठीक है, प्लस ए वाई कितना है, माइनस का जी, और टाइम कितना आ गया अपने पास, 4.5, क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात चल रही है। तो जनाब वी वाई विल बी इक्वल टू माइनस का 10, 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 45 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जब यहां पे आके आपका प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करेगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। यहां से क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्लियर, क्योंकि भाई आप यहां से भी निकाल सकते हो, अभी आगे जब मैं वेक्टर अप्रोच कराऊंगा निकालूंगा, लेकिन अभी क्यों यहां से स्टार्ट किया, क्योंकि अभी तक तो हम जो लेके चल रहे हैं, देखो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है मेरे बच्चे, पॉइंट समझ आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। आप निकाल यहां से भी सकते हो, अभी निकालेंगे बाद में, ठीक है। यहां से क्यों निकाला, क्योंकि यहां से यहां तक जाते हुए वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, इसलिए मैंने यहां से डायरेक्टली निकाला, ठीक है। यहां से भी निकालोगे तो सेम ही आंसर आएगा, अभी देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक्स पे अप्लाई कर दूं, सर एक्स वाली वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होती, एग्जैक्टली, तो वही आएगा आंसर, जो स्टार्ट में वेलोसिटी थी वही अब भी आएगी। तो भाई तो क्या बन जाएगा, वी एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस का ए एक्स इंटू टी, ठीक है मेरे बेटे। तो वी नॉट एक्स की जगह आ गया मेरा वी नॉट कॉस थीटा, और ए एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो जना वी नॉट कितना है, 50, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है मेरे बच्चे, अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो सॉल्व करने में क्या बन रहा है, ये 25 अंडर रूट 3 बन रहा है, 25 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है भाईजान। अब अगर मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे ओवरऑल वेलोसिटी निकालनी है तो मेरा बेटा ओवरऑल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर,
ठीक है मेरा बेटा, आगे इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे, इसको यहीं पे रहने दे रहे। अगर आगे सॉल्व करना होगा तो हमने बेसिक मैथ्स में स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना सीखा हुआ है, उससे हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली आगे जो स्ट्राइक करेगा जमीन से, अगर मुझे उसका एंगल निकालना हो, ठीक है, एंगल निकालना हो, तो टेंजेंट 5 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। अच्छा, वी वाई कितना है मेरा बेटा, माइनस का 45, मॉड में क्या रखेंगे 45, और वी एक्स कितना है 25 अंडर रूट 3। सॉल्व कर लेंगे भाई 5 के टेबल से, 5 नाइन जा और 5 फाइव जा, यानी कि 5 कितना आ रहा है मेरा बेटा, 10 इनवर्स 9 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 3। सही है, तो हमने हर चीज़ मेरा बेटा इसके अंदर क्या करी, मालूम कर ली। यहाँ पे हम वी एक्स भी मेंशन कर लेते हैं जो हमारे पास आया है। वी एक्स कितना आया है 25 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड, और मेरा बेटा वी वाई हमारे पास कितना आया है, माइनस का 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी वाई निकालने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से ऑनवर्ड फर्स्ट इक्वेशन लगाई है, हम यहाँ से भी लगा सकते थे लेकिन अमूमी तौर पे हम यहीं से लगाते हैं। वजह, क्योंकि हमें पता होता है कि इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, जीरो है, आगे जाएगा तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। सर यहाँ से कैसे निकालेंगे, वो सब अभी आएगा। ये आंसर नोट कर लिए मेरा बेटा, और इससे ओवरऑल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो हमें पता है, वी इक्वल अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब इसके आगे सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है, हमें पता है भाई अभी मैंने 5 वाले नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाया भी था, फिर ये आएगा 25 पे स्क्वायर आएगा, रूट 3 पे स्क्वायर आएगा, 25 का स्क्वायर निकालेंगे वो 625 बनेगा, रूट 3 पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब ये आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसका। ठीक है, तो ये मेरा बेटा इसके अंदर हमने हर चीज करना सीख ली, सही हो गया। अब पेपर में जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड लेवल के ऊपर, तो आप ये सब लंबी करोगे कि भाई आधे हिस्से को ऑब्लिक प्रोजेक्शन बोला, आधे हिस्से को हॉरिजॉन्टल बोला, आधे का टाइम अलग निकाला, फिर आधे का टाइम अलग निकाला, फिर जमा किया। सिमिलरली आधे के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलग निकाली, आधे के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलग निकाली, आखिर में ऐड किया। समझ आ रहा है? अब मसला ये है कि अगर एंट्री टेस्ट में यही न्यूमेरिकल आपका आता है, तो आपको लगता है आपके पास इतना टाइम होगा कि पूरे सवाल को आप दो हिस्सों में तोड़ो, ए से बी तक का पार्ट अलग सॉल्व करो, फिर बी से सी तक का पार्ट अलग सॉल्व करो। याद करो जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था, जिसमें कोई बॉडी पहले ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, तो एक स्केलर अप्रोच पढ़ाई थी जिसके अंदर अपवर्ड मोशन अलग सॉल्व होता था, डाउनवर्ड मोशन अलग सॉल्व होता था। फिर आपको एक वेक्टर अप्रोच बताई थी जिसके अंदर पूरा सवाल एक ही गो में हल हो जाता था। तो अब मैं आपको यही सवाल एक गो में हल कराऊंगा, एक ही मतलब एक गो में, मतलब ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल को अलग अलग देखना ही नहीं है, एक ही गो में हम इसको सॉल्व करेंगे और एक झटके में आंसर निकाल रहे होंगे। लेकिन उसको अगर आप इफेक्टिवली सीखना चाह रहे हो, तो उससे पहले बच्चे आपने क्या करना है, ये जो पूरा सवाल है ना, इसको एक बार खुद से लाजमी प्रैक्टिस करो, यही वीडियो पॉज करके। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लो, एक बार सवाल को प्रैक्टिस कर लो, फिर हम आगे चलते हैं और इसी सवाल को वेक्टर अप्रोच से हल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, विद इन 5 to 10 मिनट्स हम आराम से सब सीख सिखा के फारिग हो जाएंगे। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास सेम क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हमने वेक्टर अप्रोच से हल करना है। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं एक बार। कहता क्या है, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, विद एक्स एक्सिस। यानी कि ये मेरा बेटा हमारी डायग्राम बन गई, जिसके अंदर ये जिसको मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, ये मेरे बच्चे हमारे पास क्या है, हमारा ग्राउंड है। ठीक है, आपके जो भी बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, इसने जो बॉल को थ्रो किया, तो बॉल कुछ ऐसे मूव करता हुआ आया और यहाँ पे आके स्ट्राइक कर गया। अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करता हूँ, तो मैं वही वाले नाम ले रहा हूँ जो मैंने पहले भी लिए थे। मान लेते हैं कि जनाब ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, ये है मेरे बच्चे हमारा पॉइंट ए, और जनाब ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट सी हो गया। ठीक है मेरा बेटा, ये हो गया हमारा पॉइंट सी, और ये मेरा बेटा हमारे पास कौन सा पॉइंट था, ये हमारे पास था हमारा पॉइंट बी। आपका प्रोजेक्टाइल ऐसे आया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपनी वेलोसिटी की कहानी देखूंगा, तो जो प्रोजेक्टाइल फायर किया गया वो इस तरह से किया गया कि अल्टीमेटली इस ये जो वेलोसिटी है, इसका एंगल विद द एक्स एक्सिस कितना था, 30 डिग्री था। यानी कि आप चाहो तो आप यहाँ पे कंपोनेंट्स बना सकते हो, एक यकीनन इसका एक्स कंपोनेंट होगा और एक यकीनन इसका वाई कंपोनेंट रहा होगा। ठीक है मेरे बेटे, तो ये वाली ऐसी कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक की नहीं है। अब हम करने क्या लगे हैं, पहले ज़रा ऑब्जेक्टिव अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। हम क्या कर रहे हैं,
अभी हमने ये सवाल ऑलरेडी सॉल्व कर लिया और हमें ये भी पता है कि जो टावर है, इस टावर की मेरे बेटे हमारे पास जो हाइट गिवन है, वो हाइट हमें कितनी गिवन है भाईजान, वो हमें गिवन है 70 मीटर। ठीक है मेरा बेटा, हम करने क्या लगे, पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसे ए से लेके बी तक को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में तोड़ा, बी से लेके सी तक को हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में तोड़ा और हमने पूरी सीक्वेंस बना के सब चीज़ें सॉल्व करी, आंसर आपके सामने लिखे हुए। अब हमारे पास जो वेक्टर अप्रोच हम लगाने लगे हैं, वेक्टर अप्रोच का मेरा बेटा फ़ायदा क्या होता है, ख़ास बात क्या होती है, वेक्टर अप्रोच का फ़ायदा ये होता है कि आप पूरा क्वेश्चन एक ही बारी में सॉल्व कर सकते हो। जब मैं कह रहा हूँ ना आप पूरा क्वेश्चन एक बारी में सॉल्व कर सकते हो, उसका मतलब है ए से लेके सी तक आप एक ही बार कंसीडर करोगे, यानी कि ए जो होगा मेरा बेटा वो आपका इनिशियल पॉइंट कहला रहा होगा और जो सी होगा मेरा बेटा ये आपका फाइनल पॉइंट कहला रहा होगा। ए आपका इनिशियल पॉइंट होगा और सी आपका फाइनल पॉइंट होगा। सर डायरेक्टली सॉल्व होगा, डायरेक्टली सॉल्व होगा, ठीक है। ख्याल किस बात का रखना है कि वेक्टर अप्रोच है, सारी चीजें वेक्टर है, एस से मुराद डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, फिर स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन है और सब चीजें, कोई मसला नहीं। अभी करते हैं, देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं टाइम जरा, ठीक है मेरा बेटा। टाइम निकालने के लिए हमारे पास है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके बारे में हमें ये पता है कि दो कंडीशंस है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन पे लगती है, दूसरा एक डायमेंशन पे लगती है। तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, इसमें हमारे पास कोई परेशानी नहीं है। एक डायमेंशन में लगती है, यहां परेशानी है, ठीक है, एक डायमेंशन में लगती है तो परेशानी है हमें ना। मैं अगर इसको वाई एक्सिस पे अप्लाई करता हूं, इसको मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूं मेरे बेटे, वाई पे अप्लाई कर रहा हूं, और कहां से कहां तक, ए से सी तक, गौर से सुनना, ए से सी तक वाई पे अप्लाई कर रहा हूं। जब मैं वाई पे अप्लाई करूंगा, एस क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, टाइम किसी एक्सिस का होता नहीं है, प्लस का हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। समझ आ गई बेटे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के दरमियान का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। मेरे बेटे इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, फाइनल कौन सा है, ये वाला है। गौर से सुनो, फिर देखो, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, फिर देखो, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये इनिशियल है ये फाइनल है, बताओ बॉडी ने इनिशियल से फाइनल तक आने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी करी। तो जनाब ये जो मैं रेड से एरो मार्क कर रहा हूं ये है बॉडी की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और ये है बॉडी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से सोचो, हाँ या ना। सर तो बॉडी पहले ऊपर गई फिर नीचे आई तो ये कैसे हुआ। देखो मेरा बच्चा, जब बॉडी ऊपर गई तो जितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाते हुए हुई, जब बॉडी यहां तक आएगी, कहां तक आएगी मेरे बच्चे, देखो इस पॉइंट तक जब बॉडी आएगी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉडी की जीरो हो गई। एक्चुअल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने इसके बाद कवर करी है। आहिस्ता आहिस्ता समझो, आराम आराम से। जब बॉडी यहां से यहां गई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फिर यहां से यहां आई तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट के ऊपर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है, पढ़ा चुका हूं ये बात। तो बॉडी ने एक्चुअल में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करी है वो सिर्फ यहां से यहां जाते हुए करी है, हाँ या ना। भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो यहां से यहां जाते हुए जितना अपवर्ड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था यहां से यहां आते हुए उतना ही क्या डाउनवर्ड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इधर से इधर तक जाते हुए जो अपवर्ड था इधर से इधर तक आते हुए उस डाउनवर्ड ने कैंसिल कर दिया, एक्चुअल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यही हुआ है और एक्स से अंदर यहां से यहां तक चला गया, सही है। ये इनिशियल था, ये फाइनल था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है मेरा बेटा, इतना हिस्सा क्लियर है। तो वाई की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस का 70। अब माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि मेरा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और डाउन भाई ये आपका यहां से आप देख रहे हो ना, अगर आप यहां से देखोगे तो मेरे बेटे अगर आप यहां से देखते हो ये अगर आपका ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो भाई साहब ये वाई होगा और ये यकीनन क्या होगा, वाई डैश होगा। तो मेरा बेटा आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, अलोंग वाई डैश है, तो वाई डैश के अंदर कैसी होती है, माइनस 7। वी नॉट वाई, अब वी नॉट वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा तो यहां की आप वेलोसिटी निकाल लो कितनी आएगी, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, ए वाई कितना है माइनस जी। सर ऊपर जाते हुए भी माइनस जी होगा, जी बेटे क्योंकि वेक्टर अप्रोच चल रही है, वेक्टर के अंदर
चाहे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, अब हमेशा क्या लगाते हो, माइनस साइन लगाते हो, पढ़ाई ये सारी बात मैंने। यह आ गया टी स्क्वायर, ठीक है मेरा बेटा। सॉल्व करेंगे इसे, माइनस 70 और वी नॉट कितना है आपके पास 50 और साइन 30 डिग्री कितना होता है मेरे बच्चे हाफ। यहाँ आ गया टी प्लस का हाफ माइनस का 10 इंटू टी का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, माइनस 70 विल बी इक्वल टू 25 इंटू टी माइनस का 5 टी स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटे, सब चीज़ों को एक तरफ ले आओ तो क्या बनेगा 5 टी स्क्वायर, 5 उधर आ गया माइनस का 25 टी माइनस का 70 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चे, 5 कॉमन निकाल लो यहाँ से, टी स्क्वायर माइनस का 5 टी माइनस का 14 विल बी इक्वल टू 0। 5 को वहाँ भेज के डिवाइड कर देंगे तो 5 खत्म हो गया। क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस का 5 टी माइनस का 14 विल बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसके पीछे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो मेरे बच्चे ए हो गया आपका 1, बी कितना हो गया माइनस 5, सी कितना हो गया माइनस का 14। ठीक है मेरा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं सॉल्व करना मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, टी के वैल्यू निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है मेरा बेटा, वैल्यूज पुट कर दोगे, वरना ये फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व हो रहा है आराम से, लेकिन चलो यहाँ से कर लेते हैं। बी कितना है आपके पास, माइनस 5 है जो भी टी के पीछे है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 4ac, 4a कितना है 1 और c कितना है मेरे बच्चे माइनस का 14 हो गया ये। ठीक है मेरा बेटा, अपॉन में क्या आ रहा है 2a और 2 के साथ क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस का मेरा बेटा ये क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया 14, 4 जा टेबल आपको याद होने चाहिए, अगर टेबल आपको याद नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो भाई 14, 5 जा क्या होता है 70 होता है, उससे 14 पीछे आ जाएंगे, तो ये बनता है मेरा बेटा हमारे पास क्या चीज़ 56 बनता है। ठीक है मेरा बेटा, अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया, 56 में अगर मैं 25 ऐड करूंगा तो ये बनता है 81, 81 का रूट क्या होता है 9 होता है, तो 5 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। एक बार हम इसको ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो अगर मैं इसको एक बार ऐड करता हूं तो 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, और एक बार माइनस करूंगा तो 5 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 9 14, 14 अपॉन 2 कितना आ रहा है 7, 5 माइनस 9 कितना हुआ माइनस 4, माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कितना आया मेरे बच्चे माइनस का 2। यानी कि आपके पास टाइम की दो वैल्यूज आ रही है, एक 7 आ रहा है और एक माइनस 2 आ रहा है। अब आप यहां तसल्ली से तहम्मुल से देखो कि आपने ये एक ही गो में सवाल सॉल्व किया। पहले आपने क्या किया था, इससे प्रीवियस केस में ऑब्लिक प्रोजेक्शन का टाइम निकाला, फिर हाइट निकाली, फिर इस हाइट को इस हाइट में जमा किया, फिर टाइम के लिए अंडर रूट 2h अपॉन g की इक्वेशन निकाली। चार स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था, t हाफ निकाला जिससे t1 आया था, फिर ये हाइट निकाली थी, फिर इस हाइट को इस हाइट में जोड़ा था, फिर t इक्वल अंडर रूट 2h अपॉन g किया था, तो आपके पास चार स्टेप में आंसर आया। यहां पे ए से लेके सी तक डायरेक्टली आपने पूरा मोशन कंसीडर किया, सेकंड इक्वेशन में मोशन को डायरेक्टली वाई एक्सिस पे लगाया, बस कॉन्सेप्चुअली चीजों को पुट किया और आंसर निकाला। अगर आपको ये सब करने में मुश्किल हो रही है तो जो पहले वाले चार स्टेप है वो आपसे कभी भी हल नहीं होंगे, क्योंकि मैथ्स वहां ज्यादा चाहिए, वहां हर स्टेप में मैथ्स है भाई। पहले स्टेप में वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, अगले स्टेप में वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तीसरे स्टेप में एडिशन है, चौथे में फिर अंडर रूट 2h अपॉन g, तो वहां पे चार दफा मैच करनी है, यहां एक ही दफा करनी पड़ रही है। समझ आ गया, तो टाइम मैच कर गया, 2.5 और 4.5 ऐड करके टोटल टाइम कितना आ रहा था 7 सेकंड। अभी भी मेरा बेटा हमारे पास टोटल टाइम कितना आ रहा है 7 सेकंड। तो पहली चीज तो हमें यह क्लियर हो गई कि हमारा टाइम मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर बच्चे के जहन में आता है एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आता है बच्चे के जहन में, क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने देखे हमें टाइम तो निकाल दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है आपने टाइम तो हमें निकाल के दे दिया। अब एक प्रॉब्लम ये है कि सर जब हम अलग अलग कर रहे थे ना, उससे हमें फ़ायदा पता है क्या हो रहा था, उससे हमें फ़ायदा ये हो रहा था कि देखिए हमें ये बात पता थी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेंगे 2.5 सेकेंड और ये पूरा टाइम कवर करने में लगेगा 4.5 सेकेंड। और हमने आपके लेक्चर अच्छे से देखे हुए, इसलिए हमें पता है कि अगर 2.5 ये टाइम है तो 2.5 ये वाला होगा, तो ये पूरा 4.5 है ना, 4.5 में से 2.5 निकाल दो तो ये वाला कितना होगा 2 सेकेंड। देखो समझो आहिस्ता आहिस्ता, बच्चा जब इसको प्रैक्टिस करता है ना तो उसके जहन में एक क्वेश्चन आता है, मैं उसी क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं। अभी हमने दो टाइम निकाले, मैं वो दो टाइम यहां लिख भी देता हूं।
एक टाइम आया प्लस 7 सेकेंड, एक टाइम आया माइनस का 2 सेकेंड, ठीक है मेरा बेटा? फुल कॉन्सेप्चुअल बात चलेगी, देखते जाना। बच्चे के जहन में क्वेश्चन ये आता है, बच्चा हमसे ऑफलाइन में एक क्वेश्चन पूछा करता था कि सर जब हमने ये वाले टाइम निकाले थे ना, 2.5 और 4.5 मिला के तो 7 सेकंड बन रहा था, एक्सेलेंट ये आंसर आ गया। लेकिन हमें 2.5 और 4.5 का फायदा ये था कि 2.5 सेकंड हमें ये पता है, ये टोटल पता है 4.5 है, तो 2.5 ये वाला हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। भाई 2.5 ये है तो 2.5 ये होगा और 2 ये होगा। हमें ब्रेकअप पता था, अभी हमें ब्रेकअप नहीं पता, हमें ये पता है कि ये टोटल कितना है, 7 है। अभी भी आपको ब्रेकअप पता है कैसे? ये जो आपको मेरा बेटा माइनस साइन नजर आ रहा है ना, माइनस वाला टाइम, आपको अगर कोई टीचर ये सब कुछ पढ़ाएगा भी ना, वेक्टर अप्रोच, तो वो माइनस साइन को ये सोच के इग्नोर करा देगा या बोल के कि नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता, एग्रीड नहीं हो सकता। लेकिन यहां नेगेटिव टाइम का एक बकायदा मतलब है, मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी समझाया था, फिर समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट से समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर कर लोगे तो मैं इसी टाइम से ये सारा ब्रेकअप भी आपको निकाल के दे दूंगा, ठीक है? देखो मेरा बेटा, जब यहां पे आपने अपना प्रोजेक्टाइल फायर किया, इस जगह पे जब प्रोजेक्टाइल फायर किया, आपके ख्याल से क्या टाइम रहा होगा जब प्रोजेक्टाइल फायर किया? मेरे बेटे जब प्रोजेक्टाइल फायर किया तो टाइम टी इक्वल्स जीरो था, टाइम टी इक्वल्स जीरो था, टाइम टी इक्वल्स जीरो था, सेट है। अब टाइम टी इक्वल्स 7 सेकेंड क्या बता रहा है? देखो टाइम टी इक्वल जीरो वो पॉइंट होता है जो आपका इनिशियल पॉइंट है, जहां पे आपका प्रॉब्लम इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ। टाइम टी इक्वल जीरो पे फायर किया, टाइम टी इक्वल्स 1, टाइम टी इक्वल 2 होते होते टाइम टी इक्वल 7, यहां पे जब आपका प्रोजेक्टाइल आया, अब उस वक्त घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? टाइम टी इक्वल 7 सेकेंड हो रहे हैं। टाइम टी इक्वल माइनस 2 क्या शो कर रहा है? टाइम टी इक्वल माइनस 2 ये शो कर रहा है, अगर आप इसी प्रोजेक्टाइल को पीछे की तरफ लेकर आओ, अगर आप इसी प्रोजेक्टाइल को बैकवर्ड ट्रेस करो, तो आपका प्रोजेक्टाइल यहां पे था टाइम टी इक्वल माइनस 2 पे। पॉइंट समझ आ रहा है? आप बोलोगे सर हमने तो फायर ही यहां से किया, एग्रीड। लेकिन अगर आप इसको, भाई एक चीज होती है एक्सट्रापोलेशन, चीज को आगे कैरी करना, जैसे जो आपका चार्ल्स लॉ का ग्राफ होता है वो भी एक्चुअल ग्राफ यहीं तक बनता है, आगे तो उसे खुद एक्सट्रापोलेट तो आप करते हो ना, आगे लेकर तो आप आते हो उसे, भाई इस सीध में आ रहा है, अगर और सीध में आता रहेगा तो ये होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? सही है। टीचर आपको एक महीना पढ़ता हुआ देखता है, दो महीना पढ़ता हुआ देखता है, क्या कहता है? ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो फेल हो जाओगे। आप ऐसे ही पढ़ते तो नहीं रहते, फिर आप इंप्रूव करते हो ना, तो एक्सट्रापोलेशन। अब देखो अगर आप इसी को पीछे एक्सट्रापोलेट करो, तो टाइम टी इक्वल जीरो पे यहां से फायर हुआ, 2 सेकंड पहले आपका प्रोजेक्टाइल यहां था, तो यहां से यहां तक जाने में इसे लगे 2 सेकंड। बिल्कुल एज इट इज चीज को यहां मिमिक कर लो, ये यहां से यहां तक जाने में क्या टाइम लगा? 2 सेकंड। तो यहां से यहां तक आने में टाइम क्या लगा? 2 सेकंड। फिर सुनो, ये पूरा जो मैंने रेड से बनाया है इसमें टाइम कितना लग रहा है? 7 सेकंड। माइनस 2 क्या शो कर रहा है? ये पीछे वाला टाइम है 2 सेकंड का, सेट है। सर ये कैसे पता चला ये टाइम है? बेटे देखो 70 मीटर ये भी है, 70 मीटर ये भी है, बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स एक ही चीज है। आपके ये क्या बता रहा है? हमने किया क्या है अभी? सेकेंड इक्वेशन में मोशन को वाई एक्सिस पे लगाया, वो टाइम निकल के आया जिसमें आपका प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर करेगा। जब आपका प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जा रहा है तब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? 70 मीटर, लेकिन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जा रहा है, एक्चुअल में नहीं जा रहा, लेकिन सोचो एक्सट्रापोलेट करो, जब यहां से यहां जा रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तब भी कितनी हो रही है? 70 मीटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जब यहां से यहां आ रहा है तब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? 70 मीटर, लेकिन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो टाइम का मतलब है यहां पे, प्योर कॉन्सेप्ट है यहां पे, ठीक है? तो माइनस 2 आ गया। तो भाई साहब अगर यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगे, तो बिल्कुल इसके सामने वाला पॉइंट यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगेंगे। टोटल टाइम कितना है? 7 सेकंड। 7 में से 2 सेकंड तो इसको साइड में कर दो, पीछे कितना बचा? 5 सेकंड। तो भाई इस पूरे का यहां से यहां तक का टाइम है 5 सेकंड। 5 सेकंड को 2 हिस्सों में तोड़ दो, तो ये वाला हाफ हुआ 2.5, ये वाला हाफ हुआ 2.5। आ गया ब्रेकअप। हाँ भाई, इससे निकाला ब्रेकअप। यहां से यहां तक का टाइम 2 सेकंड, तो इसके बिल्कुल सामने ये टाइम भी कितना हो गया? 2 सेकंड। फिर 7 में से 2 गया, पीछे कितना बचा? 5। 2.5 और 2.5, 2.5 में ये रहा, 2.5 में ये रहा, 5 का आधा इधर है, आधा इधर है। सर ये हमें लग रहा है ये आपने ऐसे ही बोल दिया, साबित करूं इसको? मैं साबित करके दिखाता हूं आपको, चलो साबित करते हैं, ठीक है? अभी आगे बढ़ने से पहले इसको साबित करते हैं। मैं ये साबित करने लगा हूं कि ये टाइम कितना है मेरे बच्चे? 2 सेकंड है। देखो सी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी मुझे पता है कितनी है?
सी पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी अभी मैंने निकाली थी, सी पॉइंट पे मैंने वी वाई कितनी निकाली थी, माइनस का 45। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको वर्टिकल वेलोसिटी पता है कितनी है? मैं बताता हूँ कितनी है। अगर आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल गौर से देखा था ना मेरे बेटे, तो उसमें एक खास बात थी, क्या कि जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो रहा होता है और जब यहाँ पे आता है, तो जितनी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ होती है उतनी ही वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ होती है, बस डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट साइन थीटा, भाई वी नॉट साइन थीटा से आ जाएगी ना, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट कितना है 50, साइन 30 डिग्री कितना है हाफ, यानी कि 25, यहाँ पे कितनी है 25। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, यहां भी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि यहां पे कितनी होगी माइनस का 25 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालूं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चेक करना जरा, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए इंटू टी, वाई पे डाल दो, वी वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस का ए वाई इंटू टी। Vy, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, माइनस का 45। इनिशियल मैंने इस पॉइंट को इनिशियल लिया हुआ है माइनस का 25। सर माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर अप्रोच को लेके चल रहे हैं। माइनस का 10 इंटू टी, माइनस 25 यहां आएगा, तो माइनस 45 प्लस 25 कितना हुआ, माइनस का 20 हो गया। माइनस का 10 इंटू टी, माइनस साइन से माइनस मर गया, जीरो से जीरो मर गया, टाइम कितना आ रहा है, 2 सेकेंड आ रहा है। टाइम 2 सेकेंड आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना टाइम 2 सेकेंड। इसका मतलब हमने टाइम, वो जो एक्स्ट्रापोलेशन वाली कार्रवाई आपको सुनाई है ना, वो बिल्कुल सही सुनाई है। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। मैं ये भी साबित कर सकता हूँ कि इसमें टाइम कितना लगेगा, 5 सेकेंड। सिंपल है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अप्लाई करो, भाई यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, हाँ या ना, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, लॉन्च पॉइंट, टारगेट पॉइंट, एक एलिवेशन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगाओ, आ जाएगा 5 सेकेंड, साबित कर दिया। तो हमने क्या सीखा कि हम वेक्टर अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली 1 सेकेंड इक्वेशन को वाई एक्सिस पे लगाएंगे और 2 टाइम आएंगे, पॉजिटिव टाइम हमारा आंसर होगा, और नेगेटिव टाइम का कॉन्सेप्ट सीखा, और नेगेटिव टाइम को यूज करते हुए टाइम का ब्रेकअप निकाला हमने। यूं होगा अब आपका ये काम, अगर आपने प्रैक्टिस करी भी होगी, विद इन 1 मिनट आप आराम से टाइम निकाल सकते हो उसके अंदर। ठीक है मेरा बेटा, चलो अब क्या करेंगे, अब x निकालेंगे। x भी आपके पास नोट हुआ हुआ है ना ऊपर, 175 अंडर रूट 3 मीटर्स। चलो मेरा बेटा, अब देखो आपने क्या करना है, x निकालना है। वेक्टर अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप पूरे सवाल को एक गो में हल कर सकते हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। अगर आपसे x निकालने को बोलेगा, अगर आप पुराने लकीर के फकीर वाली अप्रोच पे जाओगे, तो पहले आप यहां से आधी रेंज निकालोगे, फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से x निकालोगे, दोनों को जमा करोगे, और इतनी देर में आपके सवाल का टाइम पूरा हो जाएगा। हम क्या करेंगे भाई, ये आ गई हमारी s इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे अप्लाई करेंगे हम हमारे x एक्सिस के ऊपर, और पूरा सवाल मतलब a से लेके c तक एक ही बार में कंसीडर कर रहे हैं। तो जनाब x विल बी इक्वल टू वी नॉट x इंटू टी प्लस का हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है मेरा बच्चा, x इक्वल्स वी नॉट x, वी नॉट x का मतलब क्या है, वी नॉट cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ ए एक्स होता है 0, ये पूरा फैक्टर हो गया खत्म। x विल बी इक्वल टू वी नॉट कितना है जनाब 50, और cos 30 डिग्री कितना होता है अंडर रूट 3/2, टाइम टोटल, भाई पूरा सवाल है तो टाइम टोटल लेंगे ना, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 को 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 25 सा हो गया 50, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 175, और आगे आ गया अंडर रूट 3। देखो भाई साहब यही आंसर आ रहा था, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 25 4 सा 100 होता है, तो 25 7 सा 175 होगा। ठीक है, हो गया भाई, एक स्टेप में हल हो गया। तो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अगर आप पिक करोगे ना, मसला कभी भी नहीं होगा। सेकेंड इक्वेशन को लगा दिया तो x भी आ गया, टाइम भी आ गया, अब क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, भाई साहब मसला ही नहीं है। मैंने कहा था ना पूरे सवाल के ऊपर, यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल के दिखाऊंगा वर्टिकल वेलोसिटी। तो देखो y पे अप्लाई करेंगे पहले, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकालनी है, vy विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस का ay इंटू टी। vy आ गया मेरा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी जाहिर है ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो यहां की इनिशियल वेलोसिटी आएगी, तो क्या होगा भाई, v नॉट साइन थीटा। सर इसके साथ साइन प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा यहां पे जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड है, v नॉट साइन थीटा प्लस का ay क्या होगा, माइनस 10, माइनस 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि g जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, t कितना होगा 7 होगा, तो मेरे बच्चे v नॉट कितना है 50, साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, माइनस का 10 7 का कितना हो गया 70,
पचास अपॉन दो कितना हुआ, 25 माइनस का 70, 70 में से 25 निकाल देंगे तो कितना बचता है, 45 बचता था, ठीक है मेरा बेटा, माइनस का 45, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। अब क्या निकालना है भाई साहब, वी एक्स निकालना है। वी एक्स निकालने के लिए सेम चीज विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस का ए एक्स इंटू टी, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स, और भाई साहब वी एक्स जब वी नॉट एक्स के बराबर है तो ये क्या बन जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा। वी नॉट कितना है, 50, कॉस 30 डिग्री कितना है, अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर दिया, क्या आंसर आ रहा है, 25 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड। ओवरऑल वी तो उसी तरह से आएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये रहा वी एक्स स्क्वायर, ये रहा वी वाई स्क्वायर, और फाइव भी वैसे ही आएगा, टेंजेंट फाइव विल बी इक्वल टू मॉड वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो मेरे बेटे हमने वेक्टर अप्रोच से भी हर चीज निकालना सीख ली, हाँ है ना। अब इसी के अंदर एक और चीज सीखनी है हमने, उसको सीखते हैं जरा और फिर आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा जब मैं आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ा रहा था, मैंने आपको उसमें यह बताया था कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है ना वाई, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, या लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी होती है मेरा बेटा, जीरो होती है। याद होगा यहां तक की सारी कहानी हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी, ठीक है मेरा बेटा, यहां तक की हमने ऑलरेडी सारी कहानी क्या कर ली थी मेरे बच्चे, कवर कर चुके थे अच्छे तरीके से, याद आ गया होगा। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि जो वी वाई होता है वो पहले हाफ में ऊपर होता है तो पॉजिटिव, मैक्सिमम हाइट पे जीरो होता है, फिर नीचे आते हुए नेगेटिव होता है। फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमने ये बात की थी कि जो वाई होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होती है, और वी वाई जो होता है वो भी हमेशा नेगेटिव होता है। अब यहां पर यह चीज कैसे होती है इसको देखते हैं जरा। देखो आपको क्या करना है, वही सवाल है, हमने करना यह है कि मेरे बेटे आपने टाइम टी इक्वल्स 3 सेकेंड, फिर टाइम टी इक्वल्स 5 सेकेंड, या इसको कर लो टाइम टी इक्वल्स 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और टाइम टी इक्वल्स 6 सेकेंड। इन तीन टाइम के ऊपर मेरे बेटे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वाई निकालना है। तो भाई साहब कैसे निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं वाई पे अप्लाई कर दूंगा, वाई एक्सिस पे, तो y s की जगह आ गया y, s क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, और y एक्सिस पे लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल टू v नॉट y इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं टाइम t इक्वल 4 की बात करूं तो जनाब v नॉट y, मैं जाहिर है वेक्टर अप्रोच लेके चल रहा हूं तो पूरा सवाल एक ही बार है, तो यहां पे v नॉट y क्या होगा मेरा बेटा, मैं एक बार यहां निकाल देता हूं ताकि बार बार ना निकालना पड़े। v नॉट साइन थीटा, v नॉट कितना है 50, साइन 30 डिग्री कितना होगा हाफ, तो कितना हो गया मेरा बेटा 25, साइन प्लस का आएगा क्योंकि स्टार्ट में इस पॉइंट के ऊपर जो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी थी वो किस डायरेक्शन में थी, अपवर्ड थी, तो टाइम t इक्वल 4 के लिए निकाल रहा हूं, तो v नॉट y कितना आ जाएगा 25, टाइम आ गया 4 माइनस, और 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे बेटे 16, 25 फोरजा कितना होता है मेरे बच्चे, 25 फोरजा होता है मेरे पास 100, 16 फाइवजा कितना होता है, 16 फाइवजा होता है 80, 100 में से मैंने 80 निकाला तो मेरा बेटा कितना बचा प्लस 20 मीटर। अभी सिर्फ समझते जाओ, फिर इस पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं यही चीज़ टाइम टी इक्वल 5 के लिए निकालूंगा तो वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई कितना है 25, टाइम आ गया जो टी है टी की जगह पे कितना आ जाएगा मेरा बेटा 5 आ जाएगा, फिर प्लस का हाफ और ये आ गया माइनस टी, और टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे बेटे 25, 25 फाइव जो हो गया 125, प्लस माइनस जो हो गया माइनस, 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 125 माइनस 5 25 जो कितना हो जाएगा 125, y कितना आ रहा है मेरे बेटे 0 आ रहा है। अब अगर आप यही चीज़ y टाइम t इक्वल 6 सेकंड के लिए निकालोगे तो भाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 25, टाइम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, माइनस हाफ 10 बाई ए वाई माइनस जी होता है, डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 25 6 का कितना होता है मेरे बेटे 150 माइनस 36 और 10 अपॉन 2 कितना है 5, तो 36 5 का कितना होता है 180, तो मेरा बेटा क्या आ रहा है आपके पास माइनस का 30 मीटर आ रहा है, चेक करो माइनस का 30 मीटर आ रहा है। आपने सीखा क्या, आपने ये सीखा, देखो ये मैंने यही सवाल इसलिए लिया ताकि आपको पता चल जाए, देखो जब टाइम t इक्वल 4 की बात कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्टाइल यहां कहीं पे है, क्यों भाई 2.5 पे यहां था, 3 पे यहां, 4 पे यहां कहीं होगा। जब टाइम t इक्वल 5 की बात कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्टाइल यहां है, जब टाइम t इक्वल 6 की बात कर रहे हैं आपका प्रोजेक्टाइल यहां कहीं है। अब बेटे जरा समझना अच्छे तरीके से, आपके पास देखो जब तक प्रोजेक्टाइल इस ब्लैक लाइन से ऊपर था तब तक आपका वाई पॉजिटिव था, देखो जब यहां पे आपने निकाला है तो वाई का वैल्यू कैसा आया मेरे बेटे, पॉजिटिव आया, नजर आ रहा है,
क्योंकि ये हमारा है रेफरेंस लाइन, ये क्या है रेफरेंस लाइन है, दिस इज अवर रेफरेंस लाइन। इससे प्रोजेक्टाइल ऊपर है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब इस रेफरेंस लाइन पे आ गया, देखो टाइम टी इक्वल 5 के ऊपर रेफरेंस लाइन पे आ गया, अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, जीरो आएगी। और जाहिर है यहां पे आया ना 5 सेकंड के बाद, अभी तो सॉल्व किया है, 6 सेकंड के बाद इससे आगे चला गया होगा यकीनन, 7th पे तो यहीं पे आ गया लेकिन 6 पे यहां कहीं होगा। जब यहां कहीं पे आ गया तो आप नोट करो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसकी वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो अगर आपको y गिवन है ना, तो आप y की मदद से ये भी बता सकते हो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो y पॉजिटिव मतलब ऊपर कहीं होगा, नेगेटिव मतलब इधर नीचे कहीं होगा, सेट है। सेम इज द केस विद वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी आप नोट करना, देखो अगर आप इतने हिस्से से पीछे यहां कहीं निकालोगे ना vy, तो वो पॉजिटिव आएगी, आगे कहीं भी निकालोगे यहां तो वो नेगेटिव आएगी। क्यों? यहां तक जाते हुए आपको नजर आ रहा है प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, तो उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी इन द अपर डायरेक्शन है, लेकिन ऊपर जाते हुए वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और होते होते इस पॉइंट पे आके क्या हो रही है, जीरो हो रही है। उसके बाद जीरो से जो वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो रही है वो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बढ़ रही है। इतने हिस्से से पीछे तक, इतने हिस्से से पीछे तक वर्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, इस पॉइंट पे जीरो होगी, इससे आगे सारी की सारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है मेरा बेटा? एक लास्ट सवाल करते हैं जिसमें ये पूरा जो ये आखिरी वाला पार्ट है ना, ये इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा और फिर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। अब मेरा बेटा ये सवाल है, ये सवाल हमसे माजी में NED यूनिवर्सिटी और साथ ETEA जो KPK के अंदर मेडिकल का एग्जाम कंडक्ट करता है, उन्होंने पूछा था, ठीक है। है सवाल ये कहां से लिया हुआ, जो सिंध बोर्ड की पुरानी किताब है उसके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ये कहता क्या है, एक डाइवर है, डाइवर जो छलांगे मारते हैं, जंप करते हैं फ्रॉम अ टावर विथ इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 7 meters per second, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है 7 meters per second, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है 3 meters per second। यानी कि जो डाइवर है ना, एक बात तो तय हो गई कि जो डाइवर भाई साहब हैं ये जब जंप कर रहे हैं तो ये इस तरह से मूव करते हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्स वाली वेलोसिटी भी है और वाई वाली वेलोसिटी भी है, और वाई वाली वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ, एक्स वाली वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या है मेरे बेटे, आगे की तरफ है, ठीक है मेरे बच्चे। क्या करना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हिज पोजीशन। पोजीशन मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट बतानी है 1 second के बाद, तो मसला नहीं है भाई, हमारे पास S इक्वल्स VIT प्लस का हाफ AT2, ठीक है मेरा बेटा। अगर मैं इसको Y पे अप्लाई करूं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग Y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग Y एक्सिस, साथ में आ गया टाइम, प्लस हाफ AY into T2। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग Y एक्सिस कितनी गिवन है मेरे बेटे, 3 डायरेक्टली गिवन है, टाइम कितना है 1/2, AY कितना है मेरा बेटा माइनस का 10 और 1 का स्क्वायर, 3 बनजा हो गया 3, माइनस का 5 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वाई कितना आ रहा है मेरा बेटा माइनस का 2 meters। आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई साहब ये जो डाइवर है ना, ये डाइवर जो है, ये डाइवर इतने हिस्से से नीचे यहां कहीं पे आ चुका है। वाई इक्वल माइनस 2 का मतलब ये कि ये यहां कहीं पे नहीं है, अभी मैं आपको साबित भी करा दूंगा, यहां कहीं पे नहीं है ये, ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर है। इससे हम देखेंगे कि हम बगैर किसी की मदद लिए ना एग्जाम जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां पे अपना आंसर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। अभी चेक करते हैं, अगर मैं इसी को एक्स पे अप्लाई करता हूं तो एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस का हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, यह पूरा फैक्टर हो गया 0, एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स कितना है मेरे बेटे 7 है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 से क्या हो गया 7, यानी कि 7 meters आगे आ चुका है। यानी कि अगर यहां पर है ना ये, तो ये 2 meters नीचे आया है अपनी रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन से, ये है रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से 2 meters नीचे आया है और 7 meters आगे आ चुका है, ठीक है मेरा बेटा। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट भी निकाल लें, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन vf इक्वल vi प्लस a इनटू t, अगर इसको y पे अप्लाई करता हूं तो जनाब vy विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस का ay इनटू t। भाई साहब वी नॉट वाई कितना गिवन है, वी नॉट वाई गिवन है हमें 3, माइनस का ए वाई की जगह आ गया 10, या आ गया माइनस का 7 meters per second, यहां पे इसकी वेलोसिटी जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे डाउनवर्ड है कितना 7 meters per second। एक्स पे जाऊंगा तो एक्स क्या बन जाएगा, वी एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस का ए एक्स इंटू
टी। तो जना वी नॉट एक्स कितना गिवेन है, 7 गिवेन है, और ए कितना है, ए एक्स कितना है 0, तो आगे खत्म हो गया ये 7 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आगे 7। अगर आप चाहो तो ओवरऑल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो यहाँ से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है भाईजान। तो ये बन जाएगा आपके पास 49 प्लस ये भी क्या बन जाएगा 49, ऐड कर लेंगे तो भाईजान ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 98। क्लियर है, 100 का रूट होता है 10, तो ये तकरीबन 9.9 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है जिस पॉइंट पे पूछा हुआ है। अब हमने ये कैसे साबित किया कि भाई ये पॉइंट सही है, देखो समझो, ये जो डाइवर है ये पहले यहां गया होगा फिर यहां आया होगा। अगर मैं इसकी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं टोटल या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालूं, यहां से यहां जाने का टाइम निकालूं, फॉर्मूला पता है हमें, टी हाफ इक्वल वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, और वी नॉट साइन थीटा क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। वी नॉट साइन थीटा क्या होता है, वी नॉट वाई होता है अपॉन जी, और वी नॉट वाई कितना है मेरा बेटा यहां पे 3 है, और अपॉन में क्या आ गया 10, 3 अपॉन 10 कितना होता है मेरे बच्चे 0.3, 3 अपॉन 10 कितना होता है 0.3, 0.3 से क्या पता चला, इस ड्राइवर को यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा 0.3, यहां से यहां आने में टाइम कितना लगेगा फिर 0.3, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए नहीं कह रहा कि यहां पे इसकी जर्नी खत्म हो गई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्लिक प्रोजेक्शन के सेंस में कह रहा हूं। वैसे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तब होगा जब वो यहां पे जाके पानी के अंदर या जिस भी चीज पे कूद रहा है वहां गिरेगा जाके। तो 0.3 कितना हुआ 0.6, टाइम कितना गिवेन है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में डेफिनेटली ये 0.6 सेकंड वाले टाइम को क्रॉस करके यहां कहीं पे आ चुका है। तो अगर आपने चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ है तो आपको ये न्यूमेरिकल सारे समझ में आए होंगे और कॉन्सेप्ट का फीलर आया होगा बकायदा। अब आपका एक टास्क है, जो किताब आपका दिल करता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन की पढ़ लो जाके, ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से उसमें लिखा हुआ एक एक पॉइंट समझ में आएगा, MCQs, CRQs, ERQs, हर तरह के क्वेश्चन आपके हल हो रहे होंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचता है। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपने कोई नई चीज़ सीखी या नहीं सीखी।